अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी मैम कमरुन्निसा। पिछली क्लास में आपको बता चुकी थी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में बताया हुआ था, और उसमें मेरे साथ ही साथ डिवीजन बताई हुई थी वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड के बारे में। वार्म ब्लडेड में हम आपको बता चुके थे मैमल्स एंड बर्ड्स के बारे में, एंड कोल्ड ब्लड में बताया हुआ था फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस। फिर इसके बाद आपको वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन बताई हुई थी कि एनिमल्स विदाउट एनिमल्स हैविंग अ बैकबोन और अ स्पाइनल कॉलम। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स के इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन और अ स्पाइनल कॉलम। ये तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुके हैं, अब थोड़ा सा इसको हाईलाइट करा रही हूँ ताकि आपको प्रीवियस लेक्चर्स और आज के लेक्चर्स जो कि हाफ रह चुका था उसकी समझ आ सके। इसमें हमारे पास थे इनवर्टिब्रेट्स क्लासिफिकेशन, क्योंकि वर्टिब्रेट्स क्लासिफिकेशन आपको उससे पहले बताई थी। इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ चुके थे स्पंजेस आ चुके थे, स्पंजेस के साथ साथ वॉर्म्स थे, इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स थे, इंसेक्ट्स के साथ थे मोलस्क थे, एंड मोलस्क के बाद थे एकाइनोडर्म्स। ये मोलस्क के बारे में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई गई थी कि मोलस्क के जो ऑस्टर है, ऑस्टर की बॉडी में ये हमारे पास एक ऐसा मोलस्क है कि इसकी बॉडी पे एक हार्ड सी कवरिंग होती है, और उस हार्ड कवरिंग के अंदर साल्ट और सैंड, मतलब मोलस्क सारे पानी में पाए जाते हैं, तो ये उनकी बॉडी की जो हार्ड सर्फेस थी उसके अंदर साल्ट एंड सैंड जब इंटर होता है तो ये ग्रेन्स जमा हो जाते हैं, और जब वो ग्रेन्स उसमें जमा होते रहते हैं तो उस पूरे प्रोसेस के दौरान कि वो इंटर होते हैं फिर जमा हो जाते हैं, वहां पे पर्ल की फॉर्मेशन होती है। तो ये पर्ल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा साल ले लेते हैं, इट टेक्स एयर टू फॉर्म अ पर्ल, आसानी से पर्ल की फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये मोलस्क ने ये बात की एस्टर उसमें एक ऐसे मोलस्क है जिसकी बॉडी के अंदर पर्ल फॉर्मेशन होती है, एंड इट टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द फॉर्मेशन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी ये टर्म जरा देख ले, बायोडायवर्सिटी ये एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स है, बायो एंड डायवर्सिटी, बायोलॉजिकल एंड डायवर्सिटी, कोई भी लिविंग थिंग्स और उनकी डायवर्सिटी के बारे में जो बात हो जाए। सो एज वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। मतलब कि हमारे पास अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स बायोलॉजिकल एंड डायवर्सिटी, बायो एंड डायवर्सिटी। It refers to all the variety of life that can be found on earth, plants हो, animals हो, fungi हो या फिर microorganisms हो, ये तमाम की तमाम variety of living things जो है ये earth पे जहाँ पे भी पाई जाती हो, as well as to the communities that they form and the habitat in which they live। कि biodiversity के मतलब है कि वो ये तमाम plants, animals और microorganisms या microbes जिसे हम कहेंगे, ये fungi साथ में, ये जहाँ पे रहे उस जगह को क्या कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। उनकी हैबिटेट, हैबिटेट में रहने की जगह जो उनको, वहां पे उनको ऑक्सीजन, सारी चीजें जो उनकी लिविंग थिंग्स को रहने के लिए चाहिए होती है वो उन्हें प्रोवाइड हो सके इजीली, तो वो उनका हैबिटेट कहलाता है। सो बायोडायवर्सिटी इज द लिविंग होम लाइक ओके फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। As we have read in previous class, the number of kind of living things present at a particular place is called biodiversity. The type of plants and animals no longer found in this world are called extinct. For example, dinosaurs. यहाँ पे बात की हुई है dinosaurs की कि जिस तरह हमारे पास ऐसे plants हैं, ऐसे animals हैं जिनकी अब इस दुनिया पे मौजूदगी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि उनकी स्पीशीज खत्म हो चुकी है, वो अब मजीद नहीं है, तो उनको हम एक्सटेंट कहते हैं, बिल्कुल फना हो जाने वाली चीजें हैं, वो फना हो चुकी है, अब है ही नहीं, उनकी कोई स्पीशीज दोबारा नहीं आ सकती। मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी लाइकली टू बी बिकम एक्सटेंट इज नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बंगाल टाइगर, पांडा एटसेट्रा। क्या मतलब, हमारे पास कुछ ऐसे और भी जानवर है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, मतलब उनकी स्पीशीज हम खुद खत्म करवा रहे हैं। कोई ऐसे हो जाता है कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसी की प्रॉपर उनको हैबिटेट नहीं मिल पाती, उनकी रहने की जगह नहीं मिल पाती, तो
ऐसे जानवर जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीशीज खत्म हो रही है उनको हम एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता फना होने वाले होते हैं, उनको ये खतरा होता है कि उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। जिस तरह बंगाल टाइगर है हमारे पास, और पांडा जो है ये खत्म होने को आ रही है। देयर आर मेनी एंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन, मारफोर एटसेट्रा। ये ऐसे जानवर है पाकिस्तान के जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म होने को आ रहे हैं, या तो इनको शिकार किया जा रहा है या इनको प्रॉपर हैबिटेट मीन रहने की जगह प्रॉपरली नहीं मिल पा रही। तो स्नो लेपर्ड को देख लीजिए, ये भी खत्म होने को आ रहे हैं, ग्रीन टर्टल है, हॉक है, इंडस डॉल्फिन है एंड मारफोर। मारफोर तो वैसे भी हमारा नेशनल एनिमल है, लेकिन देख लें उसकी भी कोई वो नहीं कर रहा प्रॉपर। तो ये ऐसे जानवर है जिनकी बायोडाइवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता एंडेंजर्ड जोन में जा रही है। एक एक्टिविटी को देख लीजिए, आपको मैं दे रही हूँ ये होमवर्क, ये आपकी एक्टिविटी 1.7, ये होमवर्क है आपका। टेक अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर ले ली, कट पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एंड पेस्ट ऑन द चार्ट पेपर। You have placed all the organism together at one place. What is it? This is biodiversity. मतलब एक चार्ट ले और इस पे आप प्लांट्स एनिमल्स ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स ले, मैगजीन से ले, न्यूज़पेपर से ले, कहीं से भी आपको मिल ली, कोई ओल्ड बुक हो उसमें से ले ली और उस चार्ट पे इन तमाम ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स लगा लो। अब ऐसे नहीं कि एनिमल्स को अलग करें प्लांट्स को अलग करें, नो, आप क्या करें ये एनिमल्स प्लांट्स ये मिक्सअप करके लगा लें इनकी ये पिक्चर्स और एक चार्ट बना लें। अब ये क्या होगा, ये जो मिक्सअप करके आपने ये चार्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब के सब एक साथ एक ही जगह पे आपने उस चार्ट में लगा लिए मिक्सअप करके, तो ये सब के सब ऐसे लग रहे जैसे एक साथ रह रहे हैं। तो इस एक साथ रहने को इनकी क्या कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। फिर हमारे पास है ह्यूमन इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन इफेक्ट क्या पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी का, द फॉरेस्ट आर बीइंग, अच्छा आपको बता के चलूं कि हमारे पास इंडस डॉल्फिन और कुछ ऐसे और भी ट्रीज के बारे में अगर बात करेंगे तो पाइन ट्रीज है, फिर दूसरी मैंग्रोव है, ये ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं कि ऐसी सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स एनिमल्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे खत्म होते जा रहे, इनकी स्पीशीज खत्म हो रही है, इनकी काउंटिंग भी कम पड़ते जा रहे। तो द फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन एंड अर्बनाइजेशन एक्सटेंशन ऑफ सिटीज, शहरें बनाने के लिए आबादी ज्यादा हो रही है तो उसके लिए घर बनाए जा रहे हैं, सिटीज बनाई जा रही है, उसके लिए क्या हो रहा है जितने भी फॉरेस्ट है उसको कटिंग की जा रही है, अर्बनाइजेशन मीन के सिटीज बढ़ाई जा रही है उसकी कटिंग हो रही है, विच हैज डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। अब हैबिटेट मैंने आपको बार बार ये बात बता रही हूँ, हैबिटेट जो है इज द लिविंग होम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक रहने की जगह है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जब उनके होमलैंड को ही हम खराब कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को हम खत्म कर रहे हैं तो वो कहाँ पे रहेंगे, तो इस वजह से उन की तादाद में कमी आ रही थी। अब हम खुद ही कह रहे हैं, हम अपने हाथों उनकी फॉरेस्ट रिकल्टिवेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन ज्यादा कर रहे हैं। सेकेंडली ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग हैज मेड एनिमल्स एंडेंजर्ड, बहुत ज्यादा शिकार करने से भी एनिमल्स जो है वो खतरे में पड़ चुके हैं, तादाद कम पड़ती जा रही है। लाइक डू यू नो पाइन ट्रीज इन बुनेर कैपिके, कैपिके में जो पाइन की ट्रीज है बुनेर में, जोनिफर इन ज्यारत, जोनिफर जो है ये ज्यारत में, ज्यारत बलोचिस्तान का एरिया है, वहां की बात हो रही है कि पाइन की ट्रीज, जोनिफर की ट्रीज जो है एंड मैरग्रूव्स एट द सी शोर, ये सिंध में पाए जाते हैं, आर डिसअपीयरिंग एट अ फास्ट रेट, और ये बहुत ज्यादा फास्ट रेट में क्या हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। अब कैसे ये ऐसे तो नहीं कि खुद वक्त गायब होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है इनकी कटिंग हो रही है, कटिंग होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ते जा रहे हैं। तो इंडस डॉल्फिन को देख लें, इंडस डॉल्फिन के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये हमारे पास ब्लाइंड है, मीन ये दिख नहीं सकते, कोई भी चीज नहीं दिख सकती, लेकिन इसकी एक बात ये है कि ये थ्रू सेंसिटिविटी, इसकी बात ये है कि ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है लाइट एंड डार्कनेस में,
कोई चीज अंधेरा हो रोशनी हो, तो ये इसमें एबिलिटी है कि वो उसको डिफ्रेंशिएट कर पाता है. सो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन जो था इंडस रिवर, तो इसकी एक बहुत ज्यादा तादाद पाई गई थी तब. लेकिन अब जो है बच्चे देख लेना, पाइन है, जेनिफर ट्रीज है, ये बहुत ज्यादा ऐसी ट्रीज है जो कि एक्सपेंसिव होती है. तो वुड है और इसका वुड यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक फर्नीचर हो गया, पेपर फॉर्मेशन में आपको पता है वुड यूज किया जाता है. तो ये भी हमारे पास ऐसी ट्रीज है जिसको ऐसे उसके लिए एज अ वुड यूज किया जाता है. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इंडस रिवर में ये क्या हुआ था, नंबर ऑफ द डॉल्फिन हैव डिक्लाइन, मिले थे इनको डॉल्फिन, ये इंडस डॉल्फिन मिला था. लेकिन अब इसकी जो मौजूदगी है सिर्फ चिना एंड पोट्री बराजेस में सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी खत्म होती जा रही है जितनी ज्यादा वो इनको मिले थे. आगे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर लफ्जी मीनिंग इसका देखा जाए तो हयातियाती तनाव का तहफ्फुज, मतलब कि इसको कैसे महफूज रखा जा सकता है, कैसे हम इसको महफूज रखेंगे, जो जो चीजें हमसे हाथों से जा रही है, जो कि हम खुद ही उसको एक्सटेंड बना रहे हैं, तो उसको कैसे हमने महफूज रखना है. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन, उसकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है, प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट्स एंड इंश्योरिंग दैट दे आर हेल्दी एंड फंक्शनल, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व स्पीशी डाइवर्सिटी, टू इंश्योर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, कि इसको कैसे सस्टेन किया जाए. कुछ ऐसे मैनेजमेंट हमने करनी है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, कि कुछ ऐसे कंजर्वेशन करनी पड़ेगी ताकि ये जो जितनी भी हमारे पास डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, ये क्या हो जाए, ये हेल्थी रहे. इस बात को इंश्योर बनाना है कि इनके हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना है, इनको प्रोटेक्शन देनी है, और इनकी स्पीशीज को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, मीन महफूज रखना है. अगर इनकी स्पीशीज, अब देखिए हमारे पास जो पैंडस है, तो पैंडस जो है वो बैम्बूज पे ज्यादातर का के रहना पसंद करते हैं, तो जब उनको ऐसे हैबिटेट नहीं मिलेगा तो तब वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल हैज बीन रेगुलराइज्ड टू सर्व द हैबिटेट द नंबर ऑफ गेम रिजर्व्स. गेम रिजर्व्स कहते हैं एक लार्ज एरिया लैंड होना चाहिए जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को सेफली रखा जा सके. अच्छा, वाइल्ड ऐसे लार्ज एरिया जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, जिस तरह के हमारे पास जो जो जानवर होंगे, लाइक इंडस डॉल्फिन कम पड़ता जा रहा है, या कोई दूसरे ऐसे जानवर जो आपको मैं बता चुकी थी, ग्रीन टर्टल है, हॉक है, स्नो लेपर्ड है, तो इनको ऐसे लैंड प्रोवाइड करना चाहिए, लार्ज लैंड जहाँ पे ये सेफली रह सके. तो गेम रिजर्व्स का यही मतलब है, हैज बीन इंक्रीज, कि इनको ऐसे इंक्रीज प्रोवाइड करनी चाहिए. नेशनल पार्क हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर एंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट. कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स होने चाहिए जहाँ पे एंडेंजर्ड एनिमल्स जो है उनको रखा जा सके. डू यू नो द गेम रिजर्व्स आल्सो नोन एज अ गेम पार्क as a large area of land where wild animals live safely. In some game reserves, animals are hunted in a controlled way. कि अगर बाहर area पे ऐसे जानवर जहाँ पे उनकी ऐसे हमारे पास animals की क्या की जाती है, उनकी hunting की जाती है, शिकार से बचाने के लिए उनको ऐसे national parks देने चाहिए. For your information, यहाँ पे हमारे पास mangroves है, कि mangroves क्या चीज़ है? Mangroves are small trees that grow. कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, आप देख लें इस पिक्चर में भी, दे प्रोटेक्ट शोरलाइंस फ्रॉम बीइंग डैमेज. अब शोरलाइंस हमारे पास उसको डैमेज होने से बचाते हैं, दे एक्ट एज नरिशेस फॉर मेरीन एनिमल्स सच एज फिश, क्रेब्स, प्रॉन्स एटसेट्रा. द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सॉरी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अर्न फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ दीज एनिमल्स, इट रिड्यूसेस द स्मोक एंड पोल्यूशन ऑफ द सिटी. कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इज वेरी नेसेसरी. कि अगर सिंपल में देखा जाए तो सिंपल हमें एक झाड़ियाँ दिख रही है, बिल्कुल इन्होंने एक झाड़ियाँ बनाई है, लेकिन कहते हैं कि हमारे पास शोरलाइंस में पाए जाते हैं, इसका होना इस वजह से भी जरूरी है ताकि अगर जितने भी फिशेज क्रेब्स हैं, प्रॉन्स हैं, वो इसमें से अपने लिए
नरिशेस वगैरह ले सके। और दूसरी बात ये कि ये सबसे बेस्ट इसका फायदा ये है कि स्मोक एंड पोल्यूशन को रोकते हैं। जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतने ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो क्या होता जाएगा, हमारे एयर में कोई पोल्यूशन नहीं रहेगी। एक तो आपको होमवर्क दिया था कि आप चार्ट ले और उस पर डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स लगा ले, ताकि आपको क्या हो जाए बायोडाइवर्सिटी आप बना सके। फिर है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है कि एल्बम ऑफ एनिमल्स है, रिक्वायर्ड मटेरियल और न्यूज़पेपर ले या मैगजीन ले, गम ले, कलर मार्कर्स ले, सीजर एंड एल्बम, कि ये आपने एल्बम कैसे बनाने हैं। प्रोसीजर इसके ये है, कट पिक्चर्स ऑफ टू एनिमल्स फ्रॉम ईच ऑफ द फाइव ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जितने आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें से हर एक के फाइव ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स देने हैं। द पिक्चर्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से लें, इजीली आप न्यूज़पेपर से लें, मैगजीन से लें, पेस्ट द पिक्चर ऑन एल्बम और उसका एक एल्बम बना लें। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एनिमल विद इट्स पिक्चर। आपने तमाम जितने भी फाइव फाइव लेने हैं और हर एक के बारे में आपने उसके खसूसियात लिखनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इस पिक्चर में है कि हमने फिश की पिक्चर ली हुई है। इट हैज स्पाइन एंड टेल, इसके इस पे स्केल्स पाए जाते हैं, स्पाइन्स होते हैं इनकी बॉडी पे और टेल भी है साथ में। इट्स बॉडी हैज स्केल्स, इट्स बॉडी इज बोट शेप, इसकी बॉडी को देख ली बोट शेप है। तो इसी तरह आप मैमल्स के बारे में ले लें, दूसरे एम्फेबियंस के बारे में ले लें, इसी इसकी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी और आप आसानी से उसका एक मैगजीन टाइप बना ले। अब ऐसा नहीं कि कंप्लीट मैगजीन बना ले, कोई भी छोटी सी एक बुकलेट टाइप बना ले और एज अ होमवर्क नोट कर ले आप अपने पास। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ, लेकिन बच्चे आप लोग को बताती चलूँ मैं कि आप लोग जब अटेंडेंस लगा रहे थे तो काइंडली आप अपने नेम के सामने सीरियल नंबर फर्स्ट मत लिखे, आप अपने नेम के सामने अपना सेक्शन मैंशन कर लीजिएगा। लाइक सपोज फिफ्थ का स्टूडेंट है तो वो अपना नेम साथ में फिफ्थ PML जो भी है वो लिखे करें फर्स्ट, ताकि हमें आपके अटेंडेंस में आसानी रहे। आप सीरियल नंबर आगे लिख देते हो फिर आगे हमें आपका सेक्शन प्रॉपरली नहीं मेंशन हो रहा, तो आप सेक्शन फर्स्ट मेंशन करें अपने नेम के साथ। थैंक यू सो मच।